ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका नाम है एडिशन इफेक्ट। आइए इसके वेपन्स के बारे में बात करते हैं, इसके में कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हैं। नंबर वन इस पावर सप्लाई, यहाँ से पूरे यूनिट को पावर सप्लाई जाएगी। नंबर टू है ये मैकेनिकल स्टीरर है, जो हमारे पास वाटर टैंक में जो स्टीरर लगा हुआ है इसकी स्पीड को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास ये इस्तेमाल होगा। उसके बाद जब हमने इसके अंदर ऑक्सीजन को डिजोल्व करवाना है तो उसकी वैल्यू हमारे पास डिजोल्व ऑक्सीजन मीटर से आएगी। अब इसके अंदर जो ऑक्सीजन की वैल्यू जो एयर हम सक करके इसके अंदर डाल रहे हैं वो कौन सी चीज़ सक कर रहे हैं, ये पंप है जो ऑक्सीजन को सक करेगा इसके अंदर और यहाँ से इसको ले कर आएगा इस वाटर टैंक के अंदर। अब इसको फ्लो मीटर जो ये ऑक्सीजन जो एयर इसके अंदर आ रही है इसका फ्लो मीटर बताने के लिए एडजस्ट करने के लिए हमारे पास फ्लो मीटर होगी। तो ये सारे से पंप ऑन करने के बाद हम सबसे पहले इसका जो है ना यहाँ से ये पावर ऑन कर देंगे। मैकेनिकल स्टीरर जो है पावर ऑन करते साथ ही हम सबसे पहले इसको मिनिमम स्पीड पे सेट करेंगे। मिनिमम स्पीड पे सेट करने के बाद हम देखेंगे कि एजिटेटर हमारे पास जो है मिनिमम स्पीड पे घूम रहा है। मिनिमम स्पीड पे घूमने के बाद ये हमारे पास जो है ऑक्सीजन का एक सेंसर लगा हुआ है। यहाँ पर सेंस करने के लिए यहाँ पर मीटर हमने यहाँ पर पावर ऑन कर दिया है। यहाँ पर ये डिफरेंट रीडिंग देना स्टार्ट हो गया, जैसे कि आपको शो हो रही है रीडिंग्स, इसके बारे में बाद में हम कैलकुलेशन में जिक्र करेंगे। यहाँ पर हमने फ्लो मीटर के जरिए सबसे पहले हमने इसकी डिफरेंट वैल्यू लेनी है। 0.2 पे सबसे पहले फ्लो को सेट कर देना है। ये किस चीज़ का फ्लो है, ये एयर का फ्लो है। 0.2, 4, 0.6, 8 और 1, इसी तरह हमने मैक्सिमम 1 तक जाना है। और यहाँ से हमने 1 पे जाने के बाद एजिटेटर की जो स्पीड है वो मैक्सिमम करती जानी है मैकेनिकल स्टीयर के जरिए। यहाँ पर हम मैक्सिमम स्पीड पर जाते जाएंगे। मैक्सिमम पर जाने के बाद आप देख सकते हैं स्टीयर जो है अपनी मैक्सिमम स्पीड से घूमना स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर स्टीयर जो है अपनी मैक्सिमम स्पीड से घूम रही है। तो इसके बाद जो डायाफ्राम पंप है यहाँ पर हमारा जो है मैक्सिमम एयर को अपने अंदर सक कर रहा है। तो आइए अब इसकी हम देखते हैं। अब जैसा कि आपने इसकी वर्किंग देखी, अब हम चलते हैं इसकी जो रिजल्ट्स हैं, आपकी तो इसके आपकी तो इससे रिजल्ट नफिस हो गया है, क्या रिजल्ट नफिस हो गया है वो हम लेकिन देखेंगे थे डिस्क्रिप्ट पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास स्टार्टिंग में एयर फ्लो रेट था, जब हमारी स्पीड मिनिमम थी, तो इसके साथ जो हमारी जो फ्लो रेट आया वो 1.1 मिलीग्राम पर लीटर आया, डिजोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं हमारी जो फ्लो रेट है एयर का, जैसे जैसे हमारा बढ़ता जा रहा है उसी तरह हमारी जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट अगर हम उसके बाद देखें मीडियम स्पीड पे, तो मीडियम स्पीड पे भी यही है कि जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारी जो हमारा फ्लो रेट है एयर का वैसे उससे जो हमारी वैल्यू है मिनिमम से ज़्यादा आ रही है। और इसी तरह मैक्सिमम स्पीड पर भी यही है कि जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो हमारी वैल्यू है डिजोल्व ऑक्सीजन की वो बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि 3.5 से हम 7.2 पे गए, देन हम 8.6 पे गए। इससे क्या असर हुआ कि जो हमारे पास डिजोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके ग्राफ। ग्राफ में जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एक्स एक्सिस है इस पर टाइम है और जो वाई एक्सिस है इस पर हमारे पास डिजोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू है। ठीक है, हम देखेंगे जो इसकी ग्राफ की वैल्यू है वो ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है। ये क्यों है, मैंने लास्ट टाइम मैंने पहले भी जिक्र किया है कि जो इसकी डिजोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। ये ग्राफ जो है हमारे पास मिनिमम स्पीड के लिए है, ये है हमारे पास मीडियम स्पीड के लिए, और ये हमारे पास है मैक्सिमम स्पीड के लिए जो हमारे पास डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व हुई है। अब हम ओवरऑल इसका ग्राफ देख लेते हैं कि हमारे पास ये वाला जो रीजन है ये एक्चुअली हमारे पास है जिसपे हमारे पास मिनिमम रीजन है कि जिसपे हमारे पास ऑक्सीजन डिजोल्व हुई है वाटर के अंदर। ये हमारे पास रीजन है जो मीडियम के लिए है और ये हमारे पास रीजन है जो हमारे पास मैक्सिमम के लिए है। तो ये था हमारा अच्छा एक्सपेरिमेंट। तो नेक्स्ट टाइम हम मुलाकात करते हैं।